अच्छा ओटी टेक्नीशियन उसके बाद में ये डिफरेंट है, जैसे कि ओटी टेक्नीशियन सिर्फ रनिंग करता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उसके अब नर्स बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसके अब नर्स दुनिया में कहीं पे भी जाएं तो बहुत वैल्यू है इसके अब नर्स की। उस टाइम ऐसा टाइम था बस अपने मुल्क से निकलना था, बाहर के मुल्क में डॉलर मिलते हैं, अपने मुल्क में रुपये मिलते हैं, रुपये की क्या वैल्यू तो गुजारा नहीं होता। लेकिन आप अगर पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई करने का सोचो तो बहुत मुश्किल है, आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी, चाहे वो स्क्रब नर्स हो, टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, नर्सिंग स्टाफ हो या कोई भी जॉब वाला हो तो उसकी जॉब लग जाती है। एक और बात, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की सैलरी भी ज़्यादा है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाओ कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं, हमने अभी आपसे एक इंटरव्यू करना है और जो नाजरीन हैं और जो देख रहे हैं और मैं इनसे आपका तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे गेस्ट हैं मुबश्शिर हुसैन, और ये हमारे गेस्ट हैं ओटी टेक्नीशियन हैं जो इराक के अंदर, इनके हवाले से आपका तारुफ कराता चलूँ। ये वहाँ पे एज आ ओटी टेक्नीशियन वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हम इनसे डिफरेंट सवालात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो किस तरह से एज आ ओटी टेक्नीशियन जॉब मिली जा सकती है एक पाकिस्तानी नेशनलिटी और कोई भी हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या श्रीलंकन हो, बांग्लादेशी हो, जो आसानी से इराक के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं, तो उसके हवाले से हम इनसे चंद सवालात करेंगे हमारे गेस्ट से। उससे पहले हम इनसे चाहेंगे कि ये अपना तारुफ कराएं, कि ये अपना नाम बताएं और अपना पेशा बताएं और क्या करते हैं, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, ये अपने बारे में थोड़ा तारुफ करें। चलें आप अपना थोड़ा तारुफ कराएं अपने नाजरीन को। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर हुसैन है, मैं इराक के शहर करबला मोहल्ला में रहता हूँ, और मैं इस टाइम रात का टाइम है, पाकिस्तान इराकी टाइम 8:30 बज रहे हैं और पाकिस्तानी टाइम इस टाइम जो है 10:30 हो रहे हैं। तो मैं इस टाइम अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ घर पर हूँ। आज छुट्टी का दिन है मेरा, छुट्टी का दिन घर पर गुजार रहा हूँ और बहुत अच्छा दिन गुजार रहा। आज मैं यहाँ पे एज स्क्रब नर्स काम करता हूँ एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल को मुस्तशफा कहते हैं, मुस्तशफा में मैं काम करता हूँ कबला मोहल्ला में स्क्रब नर्स की हैसियत से। मुझे आज यहाँ पे 8 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह आपको 8 साल हो गए, और 8 साल मेरे तो बहुत अच्छे गुजरे हैं, बहुत जबरदस्त मजा है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश नसीबी है मेरी। तो बहुत अच्छा मेरे ये 8 साल गुजरे एज स्क्रब नर्स। एक होता है ओटी टेक्नीशियन खाली जो 1 साल का कोर्स होता है, एक होता है ओटी टेक्नोलॉजी, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट। आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं दो चीजों में, एक ओटी टेक्नीशियन अलग चीज हो गई, स्क्रब नर्स अलग हो गया, तो आप हमें थोड़ा इंट्रोड्यूस करा लेंगे कि ओटी टेक्नीशियन और स्क्रब नर्स क्या होता है, इनके डिफरेंट बिटवीन क्या इनका आता है, कि इनके दरमियान क्या फर्क होता है, आप थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएंगे ताकि नाजरीन को वाजे हो सके बात, क्योंकि नाजरीन को समझ नहीं आ रही कि इन दोनों में असल में डिफरेंस क्या है। अच्छा ओटी टेक्नीशियन उसके बाद में ये डिफरेंट है, जैसे कि ओटी टेक्नीशियन सिर्फ रनिंग करता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ऑपरेशन थिएटर होता है कमरा होता है जहाँ पे पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है, वहाँ पे वो ओटी टेक्नीशियन जो सिर्फ रनिंग करता है, और जो स्क्रब नर्स होता है स्क्रब नर्स केसेस कराता है, डॉक्टर को असिस्ट कराता है। इन दो बंदे होते हैं, एक जो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर चीजें देना, लेके आना, लेके जाना काम करता है, एक जो है पेशेंट के आमने सामने, एक साइड पे डॉक्टर खड़ा है तो एक साइड पे स्क्रब नर्स खड़ा है, दो बंदे होते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रब नर्स हूँ। जब मैं आया था मैंने 5 महीने एज ऑटो टेक्नीशियन काम किया, उसके बाद मैंने आज स्क्रब नर्स के काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आप स्ट्रगल आपने इतनी ज्यादा की कि आपके स्ट्रगल की बदौलत, आपके मेहनत की बदौलत आपको वहां पे एज स्क्रब नर्स रख दिया गया। स्टार्टिंग में जो आप गए थे, आप एज ऑटो टेक्नीशियन गए थे? जी सर बिल्कुल, शुरू में जब आया था मैं ओटी टेक्नीशियन आया था, तो मैंने अपने वक्त के साथ अल्लाह ने मेरी मदद की, स्क्रब नर्स पे आ गया, और स्क्रब नर्स बहुत अच्छी चीज़ है। आप स्क्रब नर्स दुनिया में कहीं पे भी जाएं तो बहुत वैल्यू है स्क्रब नर्स की। ओटी टेक्नीशियन बेचारे की वैल्यू नहीं है खाली स्क्रब नर्स की वैल्यू, पर जो सर्टिफिकेट होता है वो एक ही होता है। ओटी टेक्नोलॉजिस्ट का भी एक सर्टिफिकेट होता है, ओटी टेक्नीशियन का भी एक सर्टिफिकेट होता है, ओटी स्क्रब नर्स का भी एक ही सर्टिफिकेट होता है। यानी आपने हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ज्यादा वाजे की, रोशन की बात को, आप एज अ पाकिस्तानी आप
कितनी आसानी से इराक के अंदर एज अ स्क्रब नर्स जॉब कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि स्टार्टिंग में आपको किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी मिली और किसने साथ दिया और कैसे आप इराक गए जहां पे आपको एज अ नर्स या स्क्रब नर्स या ऑटो टेक्नीशियन आपको जॉब मिली, ये हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि किस तरह आपको नसीब हुआ है। मैं कराची में रहता हूँ, रहता था, और इस्लामाबाद में भी मैं रहता हूँ। दो जगह मेरा अपना घर है, जाती तो मैं कराची में था जब उस टाइम। तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि एक बंदा है वो करबला लेके जा रहा है जॉब पे। तो मैंने कहा वो कौन है मुझे जरा बताओ। तो अब्बू ने एक जानने वाले का नंबर दिया, अपने मोहल्ले में रहता था वो। मैंने सुना मोहल्ला छोड़ के चला गया वहां से। तो उस बंदे से मैंने कहा यार वो मैंने आप सुना अब्बू बता रहे हैं कि जो भाई वो करबला में कहाँ आई हुई है। उसने एक और बंदे का नंबर दिया, इससे बात करो बताएगा वो बंदा यहाँ पे। मैंने उस बंदे से बात की, वो उस बंदे से मैंने कहा यार मैंने ओटी स्क्रब नर्स किया हुआ, मुझे सारे केसेस आते हैं, तो मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे वहाँ जॉब पे जाना है, अपने मुल्क से निकलना, अपने मुल्क में इतने पैसे नहीं है, जो गुंजाइश नहीं हो रही थी पूरी। तो जी बिल्कुल, उसने एक जगह बताई, वहाँ जाके इंटरव्यू तो हो गया तो तुम्हारा नसीब, नहीं हुआ तो तुम्हारा नसीब। मैं वहाँ गया, वहाँ जाके उन्होंने बोला कि भाई ऑटो टेक्नीशियन की जॉब अगर करते हो तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो जा सकते हो। मैंने कहा मुझे कुछ भी दे दो मैं कर लूंगा, सफाई का काम दे दो मैं कर लूंगा। उस टाइम ऐसा टाइम था, बस अपने मुल्क से निकलना था, बाहर के मुल्क में डॉलर मिलते हैं, अपने मुल्क में रुपए मिलते हैं, रुपए की क्या वैल्यू, तो गुजारा नहीं होता। तो मैंने पासपोर्ट और पैसे जमा कराए, पैसे नहीं थे मेरे पास, थोड़े से पैसे थे वो जमा कराए। तो उस बंदे ने मैंने कहा पैसे नहीं है, सब कुछ हो गया, उसी का डन कर दिया। फिर मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं, थोड़ा टाइम दे दो पैसे जमा करने के लिए। तो उन्होंने कहा पैसों की जरूरत नहीं है, तुम हो गया बस वहीं जाके तुम अपनी सैलरी से कटवा लेना। मैं तो बड़ा हैरान हो गया। फिर भी मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें जो लैपटॉप मोबाइल और मोटरसाइकिल सेल आउट करने के बाद मैंने अप्लाई किया, और उससे बोला ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, पैसे हम दे देते वहाँ जाके ले लेते। तो ऐसे उन्होंने डन किया। फिर दो तीन दिन बाद उन्होंने कहा भाई वीज़ा आ गया, चलने की तैयारी करो, कल हम जा रहे हैं। मैं बड़ा खुश हैरान हो गया, मैंने वालदेन को बताया, वालदेन खुद हैरान हो गए। फिर वहाँ से हमने फ्लाइट पकड़ी, वहाँ से एक दिन उन्होंने हमें इमाम रजा के रोजे पे ले गए, मौला इमाम रजा की, हमारे जो आठवें इमाम है उनकी ज्यारत कराई। हमने इमाम रजा की ज्यारत की एक दिन, दूसरे दिन उन्होंने हमें इराक के शहर करबला में पहुँचाया, बोला ये यहाँ बैठो एक हफ्ता घूमो फिरो, उसके बाद जॉब अप्लाई जॉब के लिए रेडी रहना। फिर हम जॉब लग गए, उसके बाद काम करने लग गए, आज तक काम कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान के आज मेरे इस 8 सालों में 8-10 से ज्यादा चक्कर लग चुके होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिले हाल है, सूरत हाल है। बहुत खुशी हुई आपके इस स्टोरी को सुन के, यानी एक आपका नसीब जागा, अल्लाह ने आपके साथ ये अच्छाई की कि आपका नसीब जागा। तो क्या पाकिस्तानी और भी जो स्क्रब नर्स हैं या ऑटो टेक्नीशियन है या कोई और है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो अप्लाई करने का मेथड क्या है, क्या वे है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं अपने नाजरीन को, हमारे नाजरीन को जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे? देखिए आप अगर पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई करने का सोचो तो बहुत मुश्किल है। आपको एक वीजा लेना पड़ेगा, जो ज्यारत का वीजा मिलता है। किसी भी काफिले वाले को बोले मुझे इराक जाना है ज्यारतों पे, उससे ज्यारतों का वीजा ले, महीने वाला, 10-15 दिन वाला नहीं, महीने वाला पासपोर्ट वीजा ले। एक मिलता है स्टिकर वीजा, जो एक स्टिकर वीजा मिलता है और एक मिलता है पेपर वीजा। पेपर वीजा ना लें, उसमें लाजमी आपको 5 बंदे जाएंगे, 5 बंदे वापस आएंगे। आप पासपोर्ट वीजा लें, पासपोर्ट पे जो वीजा स्टिकर वीजा लगता है वो लेके आए, 1 महीने का वीजा लेके, वो लेके जब आप यहाँ आएंगे इराक में, आप पहले आप ज्यारत करना चाहें आपकी मर्जी, ना करें आपकी मर्जी। हम किसी की भी ज्यारत करते हैं वो आपके अपना जाती फील है, ज्यारत करते हैं करें, ना करते ना करें। तो आप यहाँ जितने हॉस्पिटल हैं करबला में, नजफ में, हिल्ला में, बगदाद में, नासरिया में, दीवानिया में, बसरा में, जहाँ जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ जाए, अपनी एक सीवी लेके। आपको इंग्लिश आनी चाहिए साफ सुथरी, और हल्की इंग्लिश में बात करनी चाहिए, आपको जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए। सभी मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, ऐसे आपको जल्दी जल्दी बात नहीं करनी। 1 महीने का वीजा लेके आए आप, हर हॉस्पिटल में जाके अप्लाई करें, मुझे 100% यकीन है किसी ना किसी हॉस्पिटल पे आपकी जॉब लग जाएगी। हाँ मैं जरूर ये कहता हूँ कि तनख्वाह आपकी स्टार्टिंग कम लगेगी, क्योंकि आपको इराकी जबान नहीं आती, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इराकी जबान है, अरबी जबान, तो उसमें आपसे बात करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी, उसको समझ नहीं आएगी, तो अनबन होगी, जॉब नहीं लग सकेगी आपकी। इसलिए यहाँ पे आके अप्लाई करेंगे डायरेक्ट जाके, तो आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी, चाहे वो स्क्रब नर्स हो, टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, नर्सिंग स्टाफ हो, या कोई भी जॉब वाला हो, तो उसकी जॉब लग जाती है। फिर आपको वो बोलेंगे भाई हमें साल का वीजे वाला बंदा चाहिए, तो आप साल का वीजा लगवा सकते हैं, कुछ सफारत खाने जाके।
फिर अपने पाकिस्तान से आपको अपने सफायत खाने जाना पड़ेगा, वहां से आपको ताल्लुकात बना के फिर कुछ करना पड़ेगा, ये सोचा। तो ये हमारे नाज़रीन को आपने बहुत अच्छी खबर दी है। जो भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं एज अ जॉब सीकर या जॉब करना चाहते हैं, जो भी एज अ नर्स या टेक्नीशियन या कोई भी और स्टेप नर्स हो, जो भी एक्सरे टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन, उनके लिए ये हमारे दोस्त या हमारे भाई हमारे जो भी हैं सर हैं, इन्होंने ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। तो आप लोग इनके जरिए जा सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से वहां पे जॉब मिल जाएगी। आप ये प्रोसेस करें इंशाल्लाह आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी और आप अपनी जॉब को सिक्योर करके और अपना मुस्तकबिल बनाएं, ताकि आने वाले दिनों में आपके जो पीछे बच्चे और अहलिया हैं घर वाले हैं वो अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार सकें। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हुए शायद आप अपनी वो ख्वाहिशात पूरी ना कर सकें, लेकिन आप बाहर मुल्क जाके अपनी वो ख्वाहिशात जो आपकी दबी हुई हैं छुपी हुई हैं उनको आप पूरा कर सकेंगे इंशाल्लाह। आप निकलें, जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमारी, आप निकलें ताकि आप लोग अपने घर वालों के लिए कुछ करें। तो ये बातें हमने आप लोगों के साथ शेयर इसलिए की हैं ताकि आप लोग आगे बढ़ें। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे इससे आप लोग वाजे होगा, आप लोगों के लिए ही मुस्तकबिल बनेगा, आपका ही बहुत ज्यादा अच्छा मुस्तकबिल आ जाएगा। तो हम आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं और इसके साथ हम इसी हवाले से, हम मेडिकल के हवाले से, क्योंकि अगर हम यूके जाएं तो वहां पे एक एग्जाम, दो एग्जाम देने पड़ते हैं, एक सीबीटी का एग्जाम होता है, एक ओईटी का एग्जाम होता है, और अगर सऊदीया या दुबई इराक के अंदर भी ये चाहिए होती है, अगर इराक के अंदर चाहिए होती है, अगर आप पाकिस्तान से गवर्नमेंट लीगल एक पाकिस्तान का प्रोसेस होता है एफआईए का, वो पूरा करके आए तो पाकिस्तान से जॉब लगे, पाकिस्तान से ऐसे कनेक्टिंग हो तो होता है। अगर आप एक आज़ाद वीजे पे आए, आज़ाद वीजे पे आके अप्लाई करें, आपकी जॉब लगती है तो ऐसा नहीं होता। थोड़े से वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, आपकी वो चीज़ें आपके फेस से वो नोटिस करते हैं आपको, अगर आप उनकी काबिलियत पे उतरते हैं, उनको आप समझ आते हैं कि आप चीज़ें कर सकते हैं, फिर वो आपको 3 महीने के पीरियड पर रखते हैं, हालांकि 3 महीने के पैसे भी देंगे आपको, 3 महीने बाद 3 महीने के पीरियड पे आपको रखेंगे, देखेंगे कि बंदा काम सही करता है, नॉलेज है नहीं है वगैरह वगैरह देखेंगे वो आपको। अगर 3 महीने बाद आप उनको अच्छे लगे तो वो आपको डन करके पूरे साल के लिए रखेंगे, फिर हर साल न्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर 3 महीने के अंदर आप उनको सही ना लगे तो आप 3 महीने बाद आपको 3 महीने की सैलरी देंगे एक साथ, आपको बोलेंगे आप जा सकते हैं, माजरा हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा तो आप हमें एक और बात बता सकते हैं, अगर कोई बंदा वहां आता है एज अ मेडिकल, कोई भी हो डॉक्टर इंजीनियर या नर्स हो, हमारे जो जॉब सीकर हैं जो जाना चाहते हैं उनके हवाले से आपसे पूछना चाहते हैं, हॉस्पिटल में एज अ ओटी टेक्नीशियन जैसे मैं हूँ, एक नॉर्मल हॉस्पिटल में आपकी जॉब लगती है तो वहां पे आपको $500 से लेके $800 तक आपको सैलरी मिलेगी। ओटी टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन इनकी बात कर रहा हूँ, एज आप इसका नर्सिंग स्टाफ आते हैं तो नर्सिंग स्टाफ की सैलरी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि उनकी एजुकेशन ज्यादा। ओके हाँ, एक और बात, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की सैलरी भी ज्यादा है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो उसकी सैलरी 800 से लेके 1200 तक, और जो नर्स स्टाफ है उसकी सैलरी भी 800 से $1200 तक सैलरी, यहाँ इराक की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके अलावा जो होता है, जब हम केसेस कराते हैं तो डॉक्टर हमें एक जेब खर्ची खुद अलग से देता है पर केस, अगर उसने देना है तो उसकी मर्जी, बस अच्छा निज़ाम बन जाता है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है, खाली सैलरी नहीं होती, सैलरी के अलावा भी अल्लाह ऊपर पीछे से आगे कहीं ना कहीं से खांचे बन रहे होते हैं, डॉक्टर ख्याल कर रहा होता है कभी 25 रुपए जेब में। तो हमने आपका ये इंटरव्यू किया है 15 मिनट जो हमारे लगे हैं, हमारे नाज़रीन ने जो 15 मिनट दिए हैं हमें, और ये जो हमारा इंटरव्यू हुआ है, उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने भी इस इंटरव्यू को देख के काफ़ी बातों को सीखी होंगी और काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। उम्मीद करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे और इसी तरह मेडिकल के हवाले से, जॉब के हवाले से, किस तरह आप जॉब ले सकते हैं इस हवाले से हम क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह जवाब मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।